अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आई हूँ मिस्टर बेकर, और कल हमारे यहाँ है अनाया की बर्थडे सेलिब्रेशन, तो उसके लिए हम केक लेने आए हैं। चलिए अंदर चलते हैं और केक की वैरायटी देखते हैं, ऑप्शंस चेक करते हैं कैसे हैं। हम लोग बर्थडेज में यहीं से ही केक बनवाते हैं, बहुत अच्छे केक्स होते हैं इनके, आप इनमें से भी ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं और अच्छे होते हैं, मज़े के केक्स होते हैं। और अगर आपको कस्टमाइज़ करवाना है, कोई पिक्चर वगैरह ड्रॉ करवानी है, तो वो भी आप करवा सकते हैं। बड़े प्यारे प्यारे केक्स हैं, मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, मैं सोच रही हूँ इस तरह का कुछ। और ये देखें ये कितना खूबसूरत है, ये भी अच्छा है, सेम ये बटर स्कॉच फ्लेवर है, चॉकलेट ट्रफल केक है, बहुत मज़े के होते हैं, मतलब आँख बंद करके आप ले सकते हैं यहाँ से केक। देखें और यहाँ पर ये छोटे छोटे भी हैं, देखिए छोटे छोटे से मिनी केक्स भी, लाइक पेस्ट्रीज ना, आप इस तरह छोटे छोटे वैरायटी भी ले सकते हैं। रेड वेलवेट केक है ये, बहुत खूबसूरत है, उधर भी दिखाती हूँ आपको, बहुत अच्छे अच्छे केक्स हैं। अच्छा उधर आइसक्रीम केक्स भी हैं, ये देखेंगे सारे आइसक्रीम केक्स हैं, ये भी अच्छे हैं, बट आइसक्रीम केक मुझे चाहिए नहीं, मुझे दूसरा वाला ही चाहिए, सिंपल वाला। यहाँ पे सारी डेकोरेशंस हैं कि आप केक लें, और यहाँ से सारी कैंडल्स वगैरह भी, देखें कितनी खूबसूरत कैंडल्स हैं, कैंडल्स वगैरह ले लें, ये ट्विस्टेड वाली भी हैं, प्लेट्स हैं, पार्टी पॉपर्स हैं। चले मैं केक चूज़ करती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा वाला चूज़ किया। तो व्यूअर्स केक मैंने ले लिया है, और मैंने बटर स्कॉच फ्लेवर ही लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसा दिख रहा है वो। ये वाला केक मैंने लिया है और स्क्वायर शेप में बनवाया है, लाइक इधर ये रेक्टेंगुलर है ना, मैंने ऐसा स्क्वायर शेप का बनवाया है, तो कल मैं आपको दिखाऊँगी फाइनल उसका लुक कैसा है। बस व्यूअर्स अभी हम आए हैं बर्गर किंग, और इनको कुछ बर्गर्स वगैरह खिला देते हैं आज। मेरी भांजी भी आई हुई है घर पे, वेट कर रहे हैं बच्चे हमारा, तो केक का ऑर्डर तो हमने कर लिया, अभी हम बर्गर भी ऑर्डर कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे ना, यहाँ पे साथ साथ बने हुए हैं, बर्गर किंग हो गया और टेक्सस हो गया, मेरे बच्चों को दोनों ही पसंद है, ज़्यादा टेक्सस की डिमांड रहती है। और अच्छा ये पूरा ना, ये छोटा सा फूड कोर्ट है इधर, यहाँ पर है पिज़्ज़ा, केयरफोर भी है, और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ से भी एंट्रेंस ले सकते हैं, और सामने से भी, वहाँ जाके भी आप पार्किंग करके, अगर आपको केयरफोर आना है तो आप उधर से भी ले सकते हैं। ये जी ऑर्डर हमारा रेडी है, देखिए जी व्यूअर्स डेकोरेशन भी हो गई है हमारी, और मुबीन ने किया है सारा डेकोरेशन अकेले, और ये कुछ हमने हैप्पी बर्थडे अनाया रखा है, कुछ कैप्स वगैरह रखी हैं बर्थडे कैप्स, ये हेयर बैंड्स हैं हैप्पी बर्थडे के। खाना हमारा रेडी है, मैं भी आपको खाना भी दिखाती हूँ, बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं रेडी, हाका नूडल बनाए हम लोगों ने, और बिरयानी है, चरवा है, और पराठे मंगवाएंगे इंशाल्लाह साथ में, कोल्ड ड्रिंक्स है, केक है, बस चलिए मिलते हैं आपसे बर्थडे के टाइम पे। देखिए जी जनाब, तो हमारा केक है ये मैंने कल ऑर्डर किया था, वहाँ पे राउंड में और रेक्टेंगल में था, लेकिन मैंने स्क्वायर शेप में ऑर्डर किया, और ये बटर स्कॉच फ्लेवर है, और ये बहुत ही मज़े का, मेरी फैमिली का तो ये फेवरेट फ्लेवर है, तो मैं ज़्यादातर बर्थडेज़ में यही वाला फ्लेवर बनवाती हूँ। तो बस अभी केक कट करेंगे, और सब मैंने टेबल वगैरह रेडी कर दी है। अनाया की बर्थडे तो निकल गई थी, बट हम लोगों ने सोचा कि हम उस टाइम पे अज़रबैजान गए हुए थे, तो अम्मी आई हुई है, तो हमने कहा चलो हम अम्मी के सामने इसकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और बहुत इन्जॉय करेंगे फैमिली के साथ। तो देखिए मैंने सारा कुछ रेडी कर रही हूँ, मैं फ़ाइनल जो मेरी डिशेस हैं, चरगा मेरा रेडी है, क्रॉकेट्स मैं फ्राई कर रही हूँ, ये है मेरे हाका नूडल, और उधर मैंने बिरयानी दम दी हुई है, तो उसको तो मैं फ़ाइनल टाइम पे ही निकालूंगी। ये देखें जी ये सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है मेरे हाका नूडल, बहुत मज़े के बनते हैं और बच्चों के ऑल टाइम फेवरेट ये दो चीज़ें तो जो है ना मैं लाजमी बनाती हूँ जब ऐसी कोई बर्थडे पार्टी का इवेंट होता है। और ये मेरे फ्राइज़ मैं सेट कर रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैं चरगा रखूँगी, तो इस तरीके से मैंने एयर फ्रायर में फ्राई कर लिए थे। ये देखें जी इतना लजीज मज़ेदार शानदार बना के बहुत सबको पसंद आया, बहुत ज़्यादा। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ रिसेंटली ही, लेबनीज बेक चिकन के नाम से ये है, लेकिन इस दफ़ा मैंने इसको ओवन में बेक नहीं किया, मैंने इसको स्टोव के ऊपर पकाया है, और ये है इसकी ग्रेवी। तो चलिए जी अपना हम दस्तखान रेडी करते हैं और खाने को इन्जॉय करते हैं, चलिए मेरे साथ।
ये देखिए जी, आ गए हमारे हाका नूडल और मेरे क्रॉकेट्स, और वहाँ है ये बेक चिकन। उफ लजीज, इतनी अच्छे तरीके से ये अंदर तक सॉफ्ट और जूसी सी बनी कि मैं आपको क्या बताऊँ। और बिरयानी के तो क्या ही कहने हैं। ये बिरयानी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, इसकी रेसिपी भी चिकन दम बिरयानी की मैंने शेयर की थी। सेम प्रोसीजर है मैंने मटन की बनाई इस दफ़ा, ये मैंने मटन की बनाई है, बहुत ही शानदार बनी। और ये देखिए जी जनाब, ये किसकी एंट्री हो गई है, एक न्यू मेंबर की एंट्री हो गई, और हमारा मिट्टू तो इससे डर ही गया बिल्कुल। बस उनको तो लग रहा था कि ये बस खा जाएगी जो है ना मिट्टू को। तो इतनी क्यूट सी प्यारी सी, ये मोइज़ा है इनका नाम, और ये हमारी छोटी सी कैट है, और बहुत इनके साथ फ़न टाइम हुआ हमारा बच्चों के साथ जो है ना, बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया। और राफे को नानी ने कार्स गिफ्ट किए हैं, क्योंकि ये कार के बहुत शदाई हैं भाई, इनको कहीं भी कार दिख जाएगी ना तो वो तो इनको मस्ट है लेना। और बस बहुत अच्छा टाइम गुजरा और बहुत इन्जॉय किया सब लोगों ने। यही छोटी छोटी मेमोरीज़ और यादें बच्चों के साथ हमेशा रहती हैं, कि उनकी छोटी छोटी सेलिब्रेशंस, उनके छोटे छोटे जो खुशियां होती हैं, वो हमेशा बच्चे अपनी लाइफ लॉन्ग इन चीज़ों को चेरिश करते हैं और इन्जॉय करते हैं अपनी स्वीट सी मेमोरीज़ को। और बहुत मज़ा आया हम लोगों को। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। स्टे ट्यून फॉर मोर अपकमिंग एक्साइटिंग व्लॉग्स। अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।